सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी की हुई ताजपोशी। 11 मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। खटीमा से विधायक है पुष्कर सिंह धामी। ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक पर बीते दिनों महिला ने लगाया था रेप का आरोप। तो केंद्रीय उपभोक्ता भंडार हरिद्वार में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के सचिव का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जारी किया पत्र। रुड़की में विजिलेंस की टीम ने आबकारी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। शराब के ठेकेदारों से हजारों की रिश्वत लेने का आरोप। राफेल डील पर राहुल गांधी का पोल पूछा। जेपीसी जांच के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है मोदी सरकार। नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में 4 महीने के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री चुनकर भाजपा ने चुनावी साल में युवा चेहरे पर दाव खेला है। खटीमा सीट से युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई। बीते शनिवार को तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सीएम की रेस में कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 महीने के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री चुनकर भाजपा ने चुनावी साल में युवा चेहरे पर दाव खेला है और खटीमा सीट से युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई है। तो देहरादून से खबर है, खटीमा सीट से युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनोद। तो विनोद, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी नए सीएम की शपथ ले चुके हैं और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। जी, मैं आपको बताता हूं कि तमाम झंझावतों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको बताता हूं कि धामी मंत्रिमंडल में वही पुराने चेहरे फिर दोहराए गए हैं। राजभवन में जो है इस अवसर पर सुबोध उनियाल ने कैबिनेट मंत्री हर सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री धन सिंह और लगभग 1 दर्जन लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड से बता रहे थे खबर, जहां पर 4 महीने के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री चुनकर भाजपा ने चुनावी साल में एक युवा चेहरे पर दाव खेला है। और आपको बता दें कि खटीमा सीट से युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई है। बीते शनिवार को तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सीएम की रेस में कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। बढ़ते अगले खबर की ओर। ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक पर बीते दिनों एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी न होने के चलते अब कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शाहबुद्दीनपुर में कांग्रेस नेता मोहम्मद अफजाल ने कहा है कि भाजपा विधायक ने एक बीजेपी महिला नेत्री से बलात्कार किया और उसकी वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसमें पुलिस मुकदमा होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। भाजपा के विधायक सुरेश राठौर, जो ज्वालापुर से विधायक है, आज उनका पुतला दहन किया गया है। उनके खिलाफ एक भाजपा नेत्री सुरेखा ने भादराबाद थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे में
सुरेश राठौर जो विधानसभा में विधायक हैं उनको इस पद को गरिमा नहीं देती है, उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार उनको तुरंत बर्खास्त करे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, पार्टी से निष्कासित किया जाए। आगे ज्वालापुर विधानसभा से जो विधायक है सुरेश राठौर, उनका मामला है, उनके खिलाफ जो बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हालात ये हो रहे हैं पूरे देश में कि भाजपा से अपनी बेटी, भाजपा के विधायकों से बेटी बचाओ ये चल रहा है बलात्कार। जब तक प्रदर्शन और ये आंदोलन चलते रहेंगे जब तक भाजपा के इस विधायक सुरेश राठौर को। वहीं ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर पर एक महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही हैं। वहीं अब लोग विधायक के परिजनों और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं। इसी को लेकर विधायक के भांजे और कांग्रेस सेवा दल के प्रवक्ता विशाल राठौर ने कहा है कि लोग फेसबुक पर विधायक से जुड़ी खबरों में टैग करके कमेंट कर रहे हैं। विशाल राठौर ने आगे कहा है कि वो अपने विधायक मामा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जाए। अगर विधायक सुरेश राठौर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्हें इस तरह से मामले में ना खींचा जाए। देखिए मैं FB पर तो क्या, मुझे WhatsApp पर भी अलग अलग मैसेज डाले जा रहे हैं और मुझे फ़ोन करके भी यह पूछा जा रहा है कि यह जो विधायक सुरेश राठौर का जो कृत्य हुआ है इसमें आपकी क्या राय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी कांग्रेस का सच्चे सिपाही हूँ। हाँ, मेरे मामा जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं ये भाजपा का पब्लिसिटी स्टंट समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो महिला नेत्री आरोप लगा रही है वो भी भाजपा की है। और वहीं भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी वैजंती माला ने शेरपुर खेलमऊ से हिश्यामपुर तक बनने वाली 2.5 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। इस रोड को 24,40,000 की लागत से राज्य योजना से लोक निर्माण विभाग बना रहा है। इस मौके पर भाजपा नेत्री वैजंती माला ने कहा कि शेरपुर बड़ा गाँव है जहाँ पर सड़क की पिछले लंबे समय से मांग चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि झबरेड़ा में भाजपा विधायक में चुनाव के समय जनता से जो वादे किए थे समय रहते उन्हें पूरा किया है। वैजंती माला ने दावा किया है कि कोई गांव सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। लागत तो ये एक पैकेज है जो लगभग 1.06 करोड़ का है, इसमें 5 सड़कें हैं। तो एक सड़क डेलना थी जो पहले हुई थी इससे, और 2 से 3 सड़कें यहीं पे हैं, छोटी छोटी हैं। टोटल जो है ये 11.2 किलोमीटर के आसपास लेंथ है। तो कॉस्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि वर्क के मामले में आपने देखा थोड़ा। सर्वप्रथम मैं जो पुष्कर धामी जी, माननीय पुष्कर धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भाजपा शासन में विकास को गति दी है और विकास की गंगा बहाई है, ठीक उसी तरह हमारे नए मुख्यमंत्री जी भी उस विकास को कम नहीं होने देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और वहीं रुड़की में विजिलेंस की टीम ने आबकार इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आबकार इंस्पेक्टर काम के एवज में एक शराब के ठेकेदार से हजारों की रिश्वत ले रहे थे, जिसकी सूचना ठेकेदार ने विजिलेंस टीम को दी थी। विजिलेंस की टीम ने आबकार इंस्पेक्टर के फ्लैट पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की टीम ने आबकार इंस्पेक्टर से बंद कमरे में पूछताछ करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई। विजिलेंस CO ने बताया कि पिछले लंबे समय से आबकारी निरीक्षक की शिकायत विजिलेंस टीम को मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता है मोहन सिंह रावत, रावत एसोसिएट है, इनकी कोई शराब की दुकानें हैं लुड़की क्षेत्र में। तो इनसे ये जो आबकारी निरीक्षक हैं, इन्होंने पैसों की डिमांड की थी, 50,000 रुपये की पहले डिमांड की थी। तो 30 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी मानवेंद्र, इसने मोहन सिंह रावत ने, तो उस पर फिर इंक्वायरी की हमने, तो ये प्रकरण सही पाया। फिर इसको 35,000 में इसका तय हुआ था और आज देने का वादा था, तो आज इन्होंने अपने घर पे उसको बुलाया और घर पे इनको 35,000 रुपये रिश्वत इन्होंने ली। तो ऋषिकेश जिले के
कड़ी मैचक के पूर्व प्रधान जयेंद्र पाल सिंह रावत पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच की जा रही थी। लेकिन अब शिकायतकर्ता राजपाल पवार और शूरवीर कंडियाल का कहना है कि वो मामले की जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अधिकारियों पर जयेंद्र पाल सिंह रावत के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने राजपाल पवार ने बताया है कि उन्होंने 9 बिंदुओं पर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर जांच की मांग की है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकारियों की इसमें वास्तव में मिली भगत है, क्योंकि मैंने कई बार जब फोन से और ब्लॉक लेवल पे खंड विकास अधिकारी हुआ, आपके जो जिला योजना अधिकारी हुए, इन लोगों से जब मैंने बातचीत की है तो हर जगह एक बिंदु इनके द्वारा मुझे आया गया कि इसमें जो है पवार जी, इस जांच में हमारे कर्मचारी फंस रहे हैं, हमारे अधिकारी इसमें फंस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पुष्पम पत्रम समर्पया भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मनरेगा लोकपाल ने जब ये जांच की थी तो माननीय मनरेगा लोकपाल महोदय ने भी हमें आश्वस्त किया था। उन्होंने जब ग्राउंड में देखा था कि कहीं प्राइमरी स्कूल में कोई भराव कार्य नहीं हुआ। सर, ऐसा तो मैं आकलन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि संपूर्ण वही नगर पालिका परिषद सभागार में समाज सेवी संस्थाओं ने कोरोना काल के दौरान लोगों की सहायता करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है। इस दौरान पंडित मनीष कोनियाल ने कहा कि जब लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय कोरोना योद्धाओं द्वारा घर घर जाकर लोगों को राशन, दूध, सब्जी और दवाइयां पहुंचाई गई। ऐसे महान लोगों का सम्मान करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी लगातार प्रयास करेंगे कि वह जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाएं। उन्होंने आगे बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज लगभग 40 लोगों को सम्मानित किया गया है। जो लोग सम्मानित होने से छूट गए हैं, उन्हें अगले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। खुशी हुई कि जिन्होंने रात दिन एक कर और जिस समय लोग घर से बाहर ना निकल पा रहे थे और जो योद्धा अपने घर के अंदर कैद थे, तो उन लोगों की घर घर जाकर जिन्होंने सेवा करी, रिपेयर मंडल का भी मैं मुझे गर्व हुआ है उनको सम्मान करते हुए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज उन्हें सम्मान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। कितने लोगों को सम्मानित किया जाता है? उसमें मैंने 50-55 कोरोना काल के दूसरे वर्ष में जिस प्रकार से गतिविधियाँ नहीं है, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, उसकी भरपाई करने की सुविधा के लिए कोरोना वॉरियर्स को आगे आना, कोरोना के समय में लोगों को आगे आके कार्य करना जरूरी था, और वो हमारी टीम द्वारा, उसकी कई नागरिकों द्वारा करा गया, और ऐसे सम्मान समारोह से ऐसे नागरिकों को, ऐसे व्यक्तियों को, संस्थाओं को। लक्सर जिले के खानपुर इलाके में पिता और 3 बेटों ने मिलकर एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला दल्ला वाला गाँव का है, जहाँ किसी बात को लेकर महिला का अपने जेठ के साथ विवाद हो गया था। विवाद के चलते महिला के जेठ और उसके 3 बेटों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ तहरीर मिली है, शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ये अभी आज शाम को लगभग 7:30 के करीब सूचना मिली कि गाँव दल्लावाला में एक महिला की जो आपसी झगड़े में मृत्यु हो गई है, और इस संबंध में जो अभी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आवश्यक अग्रिम कार्रवाई के लिए इन सबको निर्देशित कर दिया गया है। इसमें तहरीर इनके द्वारा दी। और पिछले दिनों उत्तराखंड में हुई बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल रास्तों, पुलियों और छोटे पुल की हालत खस्ता हो गई थी, जिसकी हालत जस की तस बनी हुई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक समस्याओं को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। दशौली ब्लॉक के पाड़ा ईरानी को जोड़ने वाले एकमात्र वैकल्पिक पुल सड़क कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था, जिसके बाद लोग वैकल्पिक रास्ते के जरिए आवाजाही कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश के बाद वो रास्ता भी बंद हो गया था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को भी अवगत कराया था। प्रशासन की तरफ से ठोस कदम न उठाए जाने से ग्रामीणों ने खुद ही कच्चे पुल का निर्माण कर दिया है। खबर आपको ये चमोली से बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन की मदद ना मिलने से लोगों ने खुद ही एक कच्चा पुल बनाया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार प्रशासन से ये मांग भी की जा रही थी कि पुल का निर्माण कराया जाए, लेकिन प्रशासन ने लोगों की कोई मदद नहीं की है।
दशौली ब्लॉक के पाड़ा ईरानी को जोड़ने वाले एकमात्र वैकल्पिक पुल सड़क कुछ समय पहले ही बंद कर दिया था और इसके बाद लोग वैकल्पिक रास्ते के जरिए आवाजाही कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश के बाद वो रास्ता भी बंद हो गया था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को भी अवगत कराया था। प्रशासन की तरफ से ठोस कदम न उठाए जाने से ग्रामीणों ने खुद ही कच्चे पुल का निर्माण कर दिया है। वहीं थोक केंद्र उपभोक्ता भंडार हरिद्वार में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। केंद्र उपभोक्ता भंडार के सचिव का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर पत्र जारी कर दिया गया है और सचिव को भनक तक नहीं लगी। वहीं जिस सहायक अंकित ने सचिव के फर्जी हस्ताक्षर बनाए हैं, उसकी नियुक्ति भी फर्जी पाई गई है। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जारी किए गए पत्र में सभी राशन डीलरों से कहा गया था कि 3 जुलाई तक राशन बिक्री की धनराशि को जमा करवाया जाए, अगर नहीं जमा किया जाता है तो 14% ब्याज हर्जाने के तौर पर वसूला जाएगा। करते अगली खबर की ओर। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। लोग शहरों से वापस अपने घर आ गए और बेरोजगार हो गए। ऐसे में पिंडर घाटी के धावरम गांव के अनिल ने हैंडीक्राफ्ट निर्माण कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि अनिल ने इसको लेकर ये बताया है कि लॉकडाउन से पहले वह भारतीय बांस अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र दिल्ली में बतौर मास्टर ट्रेनर काम करते थे और इसके तहत वह मध्य प्रदेश ललितपुर कोटद्वार के लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। लॉकडाउन लगने के बाद वो घर वापस आ गए और अब यहीं पर लोगों को प्रशिक्षित करने के साथ ही अपना व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर तमाम योजनाएं सरकार चला रही है। खरीफ फसलों को लेकर कई योजनाओं के जरिए मदद भी की जा रही है। जिले के किसानों को धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए अनुदान में धान के बीज के साथ किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर खाद दी जा रही है। ये जानकारी जिला कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने दी है, जिसके जरिए जिले के 4 ब्लॉक हवालबाग चाकटिया ताकुला द्वाराघट के किसानों को दिया गया है। इस समय हमारा जो है वो खरीफ का सीजन चल रहा है और खरीफ के अंतर्गत हमारी धान की फसल होती है, वो मुख्य फसल है हमारे जनपद अल्मोड़ा की, और इसको बढ़ावा देने के लिए जो है वो बहुत अच्छी और गुणवत्ता युक्त और प्रमाणीकृत बीज किसानों को वितरित किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो, बीज ग्राम योजना हो, इसके अंतर्गत किसानों को ये बीज जो है वो अनुदान पर उपलब्ध। वही लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक की 3 बेटियां हैं। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। आपको बता दें कि शनिवार की रात को सचिन ने अपने कमरे में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। वहीं वरिष्ठ उपनिरीक्षक रोहताश कुमार सागर ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक ने फांसी लगाई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। लड़के ने फांसी से लटक करके आत्महत्या कर ली है, तो उसका हमने पंचायतनामा भर करके और पोस्टमार्टम कराया गया है और आज रात को भी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगा करके अपनी आत्महत्या कर ली है, उसका भी हमने पंचायतनामा भर करके और पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।